आपको बता दें कि तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक मंदिर है। बता दें कि ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और प्रति वर्ष लाखों की संख्या में यहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं। समुद्र तल से 3,200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे आकर्षण मंदिर माना जाता है। बता दें कि कई शताब्दी पहले बना ये मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण देता है। बता दें आपको कि भगवान तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु का ही दूसरा रूप माने जाते हैं और तिरुपति बालाजी मंत्र से भगवान बालाजी को आभार प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया जाता है। बता दें कि तिरुपति बालाजी मंत्र एक सूत्र या शब्द है जिसका अर्थ है जागरूकता की संवेदनशीलता और ये मंत्र संवेदनशीलता के माध्यम से ध्वनि ताल स्वर और मुंह के संशोधित आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। ये मंत्र एक शुद्ध ध्वनि कंपन है जो कि मन को मोह माया और भ्रम से बचाता है और इस जाप मंत्र को दोहराने की प्रक्रिया तब ये जाप मंत्र प्राण में ऊर्जा भर देता है और इस मंत्र को दोहराने से एक मानसिक कंपन होती है जो कि जागरूकता के गहरे स्तर को अनुभव करके मन को शांत करता है। आपको बता दें कि मंत्र जाप का मूल भाव होता है जिस देव का मंत्र है उस देव के मनन के लिए सही तरीके के धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। शास्त्रों के मुताबिक मंत्रों का जाप पूरी श्रद्धा और आस्था से करना चाहिए और साथ ही एकाग्रता और मन का संयम मंत्रों के जाप के लिए बहुत जरूरी होता है। आपको बता दें कि जब इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तब मन शांत होकर ध्यान मुद्रा में चला जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनके बिना मंत्रों की शक्ति कम हो जाती है और कामना पूर्ति या लक्ष्य प्राप्ति में उनका अनुभव नहीं हो पाता है। बता दें कि इस मंत्र को पढ़ने से खुशी मिलती है और ये भावनाओं को पवित्र कर शरीर में ऊर्जा का प्रभाव देता है। यह अलगाव और भय की भावनाओं को कम करता है। बता दें ये रचनात्मक प्रक्रिया को बढ़ाता है। ये मंत्र शारीरिक दर्द और अवसाद को मन से दूर भगाता है और ये मंत्र मन को शांत कर अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। ये करने से भगवान और देवी का स्मरण करवाता है। आपको बता दें कि इस मंत्र को हर रोज सुनने से भावना और कौर अध्यात्मता की स्मृति का अनुभव होता है। ओम श्री वेंकटेश्वरे नमो नमः, श्रीमन नारायणे नमो नमः, तिरुमल तिरुपति नमो नमः, जय बालाजी नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ बता दें आपको। भगवान तिरुपति बालाजी अर्थात भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार। पुराणों पापों का नाश का अर्थ है वेंकट के अनुसार शब्द वम शब्द का संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है पाना। दूसरे अक्षरों में पापों को काटने की प्रतिरोधक क्षमता की शक्ति और कुछ विशेष कामना की पूर्ति के लिए विशेष मालाओं से जाप करने का भी विधान है। जैसे धन प्राप्ति की इच्छा से मंत्र जाप करने के लिए मूंगे की माला, पुत्र पाने की कामना से जप करने पर पुत्र जीव के मनकों की माला और किसी भी तरह की कामना पूर्ति के लिए जप करने पर स्फटिक की माला का उपयोग करना चाहिए और तिरुपति बालाजी मंत्र को जप करने के लिए भी एक विशेष माला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।